साथ जुड़ गए हैं। इस तरह का समय न इतिहास में पहले कभी आया, न भविष्य में आने का अवसर मिलेगा। यानी न भूतो न भविष्यति। आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, पता है ना? नहीं मालूम? मालूम है? रिकॉर्ड कम समय में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है। भारत में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा निर्यात एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है। सिर्फ 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यही भारत का नियो मिडिल क्लास बन गया है। देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से विकास में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। इस साल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है और इस तरह का निवेश साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इसका कितना बड़ा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और कितने नए अवसर तैयार होंगे। साथियों, आप जैसे युवाओं के लिए ये अवसरों का दौर है। साल 2020 के बाद करीब 5 करोड़ साथी ईपीएफओ पेरोल से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। पहली फॉर्मल जॉब उन्हें मिली है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए फॉर्मल जॉब के मौके भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले हमारे देश में 100 से भी कम स्टार्टअप थे। कितने कितने? मैं इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना। कितने स्टार्टअप 2014 के पहले? कितने? आज इनकी संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। स्टार्टअप की इस लहर ने कितने ही लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर से आज एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसके कारण भी बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर बने हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बीते कुछ वर्षों में बड़ा विकास हुआ है। 2014 की तुलना में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 23 गुना बड़ा है। जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है
तो डिफेंस इकोसिस्टम की पूरी सप्लाई चेन में भी बड़ी संख्या में नई नौकरियों के अवसर बनते हैं। मैं जान